नमस्कार दोस्तों, आए दिन हमारा कोई ना कोई वीर जवान बॉर्डर पर आतंकी हमले में शहीद हो जाता है। देश की आन बान शान के लिए वे वीर जवान अपना सब कुछ त्याग कर देश के लिए शहीद हो जाते हैं। अभी हाल ही में सोमवार को हरियाणा के भिवानी जिले के नंदगांव का वीर बेटा कैप्टन निदेश यहां जम्मू में ग्रेनेडियर ड्रिल के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। जम्मू से उनका पार्थिव शरीर मंगलवार की सुबह 11 बजे उनके गांव लाया गया, जहां उन्हें पूरे राष्ट्र सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके शहीद होने से पूरे गांव में दुख का माहौल है। जानकारी के लिए बता दें कि शहीद निदेश का जन्म 26 सितंबर 1998 को नंदगांव में हुआ था। वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता दीवान सिंह आर्मी से सुबेदार मेजर के पद से रिटायर हैं और मां मनोज यादव एक गृहिणी हैं। उनकी दो बहनें हैं, बड़ी बहन मनीषा यादव एयरफोर्स में डॉक्टर है और छोटी बहन अलका यादव दिल्ली की निजी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है। कैप्टन निदेश यहां की 12 दिसंबर 2020 को एनडीए के जरिए भारतीय सेना में भर्ती हुए। अपनी भर्ती के 2 साल बाद ही मात्र 24 साल की उम्र में वह देश के लिए शहीद हो गए। जैसे उनके शहीद होने की खबर उनके पैतृक गांव में पहुंची तो समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही वीर बलिदानी का पार्थिव शरीर गांव की गलियों से गुजरा तो लोगों ने जगह जगह वीर जवान के शव में पुष्प वर्षा की। वीर जवान को पूरे सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों के बीच अंतिम विदाई दी गई। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बची है एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सैनिक की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना।